म्यूचुअल फंड से रिलेटेड कंप्लीट सोल्यूशन चाहिए तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हो। कौन सा म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो के लिए बेहतर होगा, किस म्यूचुअल फंड को पोर्टफोलियो से बाहर का रास्ता दिखाएं, पोर्टफोलियो का एलोकेशन कैसा होना चाहिए, इट मीन्स कि किस म्यूचुअल फंड में कितना पैसा लगाएं, इन्वेस्टमेंट प्लानिंग, रिटायरमेंट प्लानिंग, फिनेंशियल प्लानिंग को लेकर कोई क्वेरी हो तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके पूरा डिटेल चेक करें और डिटेल के बेसिस पे व्हाट्सएप नंबर के थ्रू आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हो। चलिए आज के वीडियो का क्या विश्लेषण होगा मैं सबसे पहले बता दूं। आज मैं आपके सामने एक पोर्टफोलियो रखूंगा और उस पोर्टफोलियो के थ्रू हम जानेंगे कि यहाँ पे क्या क्या क्लाइंट के द्वारा मिस्टेक हुआ है। देखो ये जो पोर्टफोलियो है यहाँ पे मैं पूरा पर्सनल डिटेल तो नहीं शेयर करूंगा, सिर्फ पोर्टफोलियो का डिटेल शेयर करूंगा। चलिए आपके सामने मैं पोर्टफोलियो रखता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे चार फंड है और जो चार का चार फंड है वो SBI में लगा हुआ है, इट मीन्स कि SBI के AMC में यहाँ पे पूरा पैसा लगा हुआ है। सबसे फर्स्ट फंड यहाँ पे SBI ब्लू चिप फंड है जो अक्टूबर 1, 2021 से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट है। ये लमसम इन्वेस्टमेंट है, 1,20,000 का लमसम हुआ है। आज के डेट में जो वैल्यू बच गया है वो 1,08,000 के करीब में, ऑलमोस्ट यहाँ पे आप देख सकते हो 11,000 से 12,000 का नुकसान चल रहा है, 9 से 10% का गिरावट है। वहीं पे अगर SBI फ्लेक्सी के फंड की बात करें तो यहाँ पे 1,00,000 का लमसम है 1 अक्टूबर 2021 को, आज के डेट में 91,465 का वैल्यू चल रहा है, 8,534 का नुकसान, 8.53% का यहाँ पे गिरावट देखने को मिला है। वहीं पे SBI टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटी फंड की बात करें, 80,000 का इन्वेस्टमेंट है, करंट जो वैल्यू है 71,754, यहाँ भी 8,245 रुपये के करीब में नुकसान देखने को मिल रहा है, 10 से 11% का नुकसान यहाँ पे देखने को मिल रहा है। SBI इक्विटी हाइब्रिड फंड की बात करूँ, 1,50,000 का लमसम है अक्टूबर के फर्स्ट को, यहाँ पे जो टोटल वैल्यू देखने को मिल रहा है आज के डेट में 1,41,896 रुपए का नुकसान, कुल मिला के यहाँ भी 6% का नेगेटिव रिटर्न देखने को मिल रहा है। देखो मार्केट में गिरावट है तो हर एक म्यूचुअल फंड में तो आपको गिरावट देखने को मिलेगा ही, और सितंबर के महीने के बाद ही गिरावट स्टार्ट हो गया था तो ये इन्वेस्टमेंट अक्टूबर में हुआ है तो एग्जैक्टली यहाँ पे गिरावट ज़्यादा देखने को मिलेगा। अब इन्वेस्टर के साइड से देखो गलतियाँ क्या क्या हुई हैं। यहाँ पे अगर आप नोटिस करोगे तो यहाँ पे कई ऐसे स्टॉक्स हैं जिसमें यहाँ पे इन्वेस्टमेंट ऐसे म्यूचुअल फंड के द्वारा किया गया है। एग्जांपल के तौर पे अगर मैं कुछ यहाँ पे स्टॉक लूँ, जैसे इन्फोसिस की बात करूँ तो यहाँ पे SBI ब्लू चिप में 6 से 7% का इन्वेस्टमेंट है। वहीं पे अगर SBI फ्लेक्सी कैप फंड की बात करूँ तो यहाँ से 3 से 4% का इन्वेस्टमेंट इन्फोसिस में है। SBI टेक्नोलॉजी में 23 से 24% का, SBI इक्विटी हाइब्रिड फंड में 4 से 5% का। आप देख सकते हो इनडायरेक्टली यहाँ पे एक स्टॉक्स पे आपका पूरा पोर्टफोलियो कितना डिपेंड हो गया है। दूसरा अगर मैं स्टॉक लूँ तो HCL की बात करूँगा तो आप देख सकते हो जो 4 से 5% का इन्वेस्टमेंट SBI ब्लू चिप में है, 4 से 5% का SBI फ्लेक्सी कैप में, 7 से 8% का इन्वेस्टमेंट SBI टेक्नोलॉजी में और SBI इक्विटी हाइब्रिड में 2 से 3% का। तो आप देख सकते हो कॉन्सेंट्रेशन रिस्क कितना बढ़ गया है। एक दो ऐसे और भी स्टॉक्स हैं जिसमें यहाँ पे पूरा इन्वेस्टमेंट है। कुल मिला के अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 4 से 5 स्टॉक्स में आपका सबसे ज़्यादा पैसा लगा हुआ है, और आज के डेट में देखें तो IT सेक्टर के स्टॉक्स में काफ़ी ज़्यादा गिरावट है और इसलिए इनके पोर्टफोलियो में भी गिरावट सबसे ज़्यादा देखने को मिल रहा है। क्योंकि आप देख सकते हो कि इन्फोसिस का कितना परसेंटेज है, यहाँ पे HCL का कितना इन्वेस्टमेंट परसेंटेज है। तो एक गलती तो ये हो गया कि कॉन्सेंट्रेशन रिस्क बढ़ गया, अनजाने में कुछ स्टॉक्स पे ज़्यादा पैसा लग गया। अब दूसरा पॉइंट कंसीडर करते हैं यहाँ पे क्या गलती हुआ है। देखो AMC का रिस्क बढ़ गया है, एक ही AMC पे आप पैसा लगा रहे हो, कितना ज़्यादा रिस्क होता है मैं थोड़ा सा एग्जाम्पल के साथ शेयर करता हूँ। फ्रैंकलिन के 6 डेफ्ट फंड को फ्रीज कर दिया गया था। अब आप समझ सकते हो बहुत ऐसे इन्वेस्टर थे जिनका पैसा लगा हुआ था, पैसा फ्रीज हो गया ना, वो निकाल सकते हैं ना वहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं। ऐसे में कोई भी बैड न्यूज़ आता है एक AMC से रिलेटेड तो वहाँ पे गिरावट ज़्यादा हो सकता है, लिक्विडिटी का प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है। देखो पिछले कुछ दिनों की बात करें तो AMC से भी कुछ बैड न्यूज़ आया था और बहुत ऐसे इन्वेस्टर थे जो काफ़ी ज़्यादा पैनिक सिचुएशन में चले गए थे। हालांकि म्यूचुअल फंड में कुछ नेगेटिव रिजल्ट नहीं देखने को मिला, लेकिन 0.1% कुछ नेगेटिव हो जाता तो वाकई में आपके पूरे पैसे में सबसे ज़्यादा नुकसान देखने को मिलता। नेक्स्ट पॉइंट की बात करूँ तो देखो आप SBI के म्यूचुअल फंड पर सिर्फ फोकस किए, इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी यहाँ पे सेम ही होगा क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन टीम सेम है,
कई बार आपने देखा होगा कि एक ही फंड मैनेजर 2 से 3 फंड को मैनेज करता है, तो ऐसे में यहाँ पे रिस्क काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। अगर आप डिफरेंट डिफरेंट AMC के साथ जुड़े होते तो इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी अलग अलग फंड मैनेजर का यहाँ पे आपके पूरे पोर्टफोलियो में होता, तो हो सकता था गिरावट में यहाँ पे थोड़ा सा कम नुकसान देखने को मिलता। एक पॉइंट और इसी में मैं ऐड करूं तो कई बार देखा गया है कि फंड मैनेजर काफ़ी बायस्ड होके यहाँ पे पोर्टफोलियो का डिज़ाइन या स्टॉक्स सेलेक्ट करते हैं। अब मान लो यहाँ पे SBI के फंड मैनेजर ने एक स्टॉक्स को ज़्यादा फोकस किया, जैसे हम इन्फोसिस की बात कर लेते हैं, और यहाँ पे गिरावट ज़्यादा है इन्फोसिस में। मैं मानता हूँ कि स्टॉक्स में बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है, लेकिन आज के डेट में गिरावट ज़्यादा देखने को मिल रहा है। यहाँ पे बायस्ड होके एक स्टॉक्स पे ज़्यादा डिपेंड नहीं हो सकते। अगर डिफरेंट डिफरेंट फंड मैनेजर के हाथ में आपका पैसा होता तो अगर मान लो हर एक यहाँ पे फंड मैनेजर बायस्ड होके किसी एक स्टॉक को फोकस करता तो फिर भी यहाँ पे रिस्क आपका काफ़ी कम होता। तो कुल मिला के 3 से 4 गलतियाँ हैं जिसके चलते यहाँ पे नुकसान थोड़ा ज़्यादा देखने को मिल रहा है। अगर हम इस गलतियों को सुधारते तो हो सकता था कि आपको नुकसान यहाँ कम देखने को मिलता। मैं मानता हूँ आपके पोर्टफोलियो में फिर भी नुकसान होता, लेकिन नुकसान कम देखने को मिलता। और ये भी हो सकता है कि आने वाले टाइम में अगर आप डिफरेंट डिफरेंट AMC के साथ जुड़े होते तो रिटर्न ज़्यादा देखने को मिलता। मैं इस वीडियो के माध्यम से इन्वेस्टर को बताना चाहता हूँ, आज मैंने SBI का एग्जाम्पल दिया है। कई ऐसे इन्वेस्टर हैं जो एक ही AMC पे ज़्यादा डिपेंड हो जाते हैं, जैसे कि एक्सिस की AMC की बात करें, जैसे कि HDFC की बात करें, जैसे कि ICICI AMC की बात करें। आप ज़्यादा से ज़्यादा 35 से 38% का हिस्सेदारी रखें अगर एक AMC पे आप ज़्यादा डिपेंड हो। हाँ, आप सिर्फ लमसम कर रहे हो, 2 लाख 3 लाख का लमसम कर रहे हो तो 2 से 3 AMC का सिलेक्शन कर सकते हो, लेकिन आप 50% 60% का हिस्सेदारी किसी एक AMC पे रख रहे हो, इससे रिस्क का फैक्टर काफ़ी बढ़ जाता है। और कई बार फंड मैनेजर चेंज होने से आपके म्यूचुअल फंड का परफॉर्मेंस काफ़ी कमज़ोर हो जाता है, तो ये रिस्क भी बढ़ जाता है कि कहीं फंड मैनेजर चेंज हो गया, एडमिनिस्ट्रेशन टीम चेंज हो गई, तो मेरे पूरे फंड पे उसका असर देखने को मिलेगा। आपका क्या राय है एग्जैक्टली कमेंट बॉक्स में जरूर आके बताना। आने वाले टाइम में बहुत सारी वीडियो लेके आऊंगा। एक हम्बल रिक्वेस्ट, अभी तक चैनल को नहीं किया सब्सक्राइब, लाइक और शेयर तभी स्टार्ट करें। फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।